जय माता दी फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शिम्बिका जी ऑल इन वन। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज शेयर कर रही हूँ आपके साथ बहुत ही ब्यूटीफुल साड़ी कलेक्शन अगेन, जो कि मीशो से ही है। एंड फ्रेंड्स, बहुत ही कम प्राइस में बहुत ही खूबसूरत साड़ियां हैं, 100% आपको पसंद आने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट इफ यू न्यू टू माई चैनल एंड वॉचिंग द फर्स्ट टाइम, दिस इज अंजू सिंह एंड यू वॉचिंग शिम्बिका जी ऑल इन वन, वे आई शेयर विद यू मेकअप, स्किन केयर प्रोडक्ट रिव्यूज एंड लॉस ऑफ मोर। तो आपने करना क्या है, जो रेड कलर का सब्सक्रिप्शन का बटन दिख रहा है ना, उसको जल्दी से क्लिक करके मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाइए। एंड जो घंटी है ना, छोटी सी बेल आइकन, उसको जरूर से प्रेस कर देना। उससे क्या होगा, जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूंगी तो उसकी नोटिफिकेशन डेफिनेटली आपको मिल जाएगी। एंड आप चाहें तो मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, मेरी इंस्टा हैंडल है शिम्बिका जी 09। विदाउट फर्दर डू मूव ऑन द वीडियो। तो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैंने जो कुर्ती वेयर की हुई है, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम मीशो। एंड कल के हॉल में आपने देखा होगा, बट मैं इसलिए बता रही हूँ कि कुछ लोग नए होंगे, उनके लिए अगर आपकी कुर्ती पसंद आ रही है तो डेफिनेटली गो फॉर इट। बहुत ही खूबसूरत कुर्ती है एंड इसकी प्राइसिंग भी बहुत ज्यादा नहीं है, आई थिंक 500+ में ही है, श्योर नहीं हूँ, तो स्क्रीनशॉट लगा दूंगी या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक नहीं, मीशो पे कोड चलते हैं, मैं खुद भूल गई। तो आप ध्यान रखिएगा कि मीशो पे लिंक नहीं चलते, कोड चलते बिकॉज। एंड फ्रेंड, इस वीडियो में मैं आपको जो कुछ भी दिखाने वाली हूँ, इनकेस आपको कुछ भी पसंद आता है फ्रॉम दिस हॉल, यू कैन इजिली बाय। आपने करना क्या है, आपने जाना है डिस्क्रिप्शन में एंड वहां पर आपको सारी कोड मिल जाएंगे। अगर आपको नहीं पता है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स क्या होता है तो मैं आपको बता दूं, आपने वीडियो के जो टाइटल, उस पर क्लिक करना है। जब उसे क्लिक करोगे ना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा एंड वहीं पे आपको सारे कोड मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाने वाली हूँ ये ब्यूटीफुल साड़ी, और हालात आप देख रहे होंगे बिकॉज क्या है ना फ्रेंड्स, मैं हमेशा पहले ट्राई ऑन पार्ट रेडी करती हूँ। उससे फ्रेंड्स क्या होता है कि अगर ड्रेस में कोई भी कमी होती है ना, साड़ी हो या सूट हो, कोई भी ड्रेस हो, तो वो अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन कर पाती हूँ चीजों को। तो इसलिए मैं पहले ट्राई ऑन पार्ट रेडी करती हूँ और ये सब कुछ फैला हुआ पड़ा है। तो ये साड़ी मुझे बहुत बहुत ज्यादा पसंद आई। ऑनेस्टली फ्रेंड, ये साड़ी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है एंड बहुत ही कम प्राइस में है। तो सबसे पहले मैं आपको प्राइस बता देती हूँ बिकॉज मैं भूल जाती हूँ, इस साड़ी की जो प्राइसिंग है जस्ट 436 रुपीज, हाँ 436 रुपए। ऑनेस्टली फ्रेंड, इतनी खूबसूरत है, आप देख लो कितनी खूबसूरत है, आप खुद बताना। देखो मैं आपको दिखा देती हूँ, जो साड़ी है इसका जो फैब्रिक है ना, वो कॉटन है एंड A1 क्वालिटी जिसको बोलते हैं ना, काफी अच्छी कॉटन है। मैं आपको यहीं से फील कराने की कोशिश कर रही हूँ, देखो कितना कितना ज्यादा, यू नो, एक तो उसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगा एंड इसमें जो बॉर्डर दिया हुआ है ना, ये जो कलर कॉम्बिनेशन उन्होंने लिया है ना, सुपर है। बिकॉज ये वाला कलर जो है ना, हमेशा अच्छा नहीं लगता, लेकिन कॉटन में अगर अच्छी क्वालिटी में ये होता है ना, तो काफी अच्छा लगता है। तो मुझे ये साड़ी बहुत ज्यादा पसंद आई। इसका फैब्रिक कॉटन है एंड पूरी साड़ी प्लेन है एंड नीचे आपको साड़ी पे इस तरह से ये बॉर्डर मिल जाता है। एंड आप ट्राई ऑन पार्ट में देख सकते हैं, ऊपर भी आपको जो हमारा पल्लू पल्ला जो भी बोलते हैं, वहां पर भी आपको ये बॉर्डर मिल जाता है यहाँ पर इस तरह से, ठीक है फ्रेंड्स। बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है एंड एक चीज और इसमें अलग है, जो इसका ये पल्लू है ना, पल्लू पल्ला जो भी है, तो यहाँ पर पूरे ही इसमें इन्होंने ये जो बनारसी कपड़ा होता है ना, वो इस तरह से लगाया हुआ है। देखो अंदर ये साड़ी है, इस साड़ी के ऊपर इन्होंने एक कपड़ा लगाया हुआ है, तो जिसकी वजह से साड़ी बिल्कुल डिफरेंट लग रही थी एंड काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। एंड आफ्टर वेयरिंग आप देख लो, इतनी खूबसूरत लग रही थी ना, अगर आप इसको पहनोगे ना तो कोई भी जज नहीं करेगा कि ये साड़ी मतलब 1000 रुपए से कम की है, इवन 2000 में भी कोई ये बोलेगा कि बहुत अच्छी है। बिकॉज नाउ फ्रेंड्स, का ब्लाउज देख लेते हैं जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत है। इसकी मैं फैब्रिक की बात करूं तो फ्रेंड्स, ये लाइक सिल्क कॉटन होता है ना, उस तरह से फैब्रिक है, काफी थिक है एंड काफी अच्छी क्वालिटी है। आपका अगर प्लस साइज भी है ना, तो कपड़ा काफी दिया हुआ है, आपको इजिली बन जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पर जो उन्होंने लेस दी हुई है ना, ये सिर्फ इतनी है, या तो आप इसको बैक पे लगा सकते हैं या फिर स्लीव पे, तो आप जैसे चाहे वैसे स्टिच करा सकते हैं। ऑनेस्टली इस ब्लाउज का कपड़ा बहुत ही अच्छा है, तो डेफिनेटली आप इसको स्टिच करा लेना। वैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि बिकॉज स्टिचिंग चार्जिंग बहुत ज्यादा है, तो उससे अच्छा है कि रेडीमेड ब्लाउज ले लो, बट ये जो ब्लाउज है ना, आपकी बहुत सारी साड़ियों पे जाने वाला है। इवन इस हॉल में जितनी भी साड़ियां हैं ना, रेड ब्लाउज सबके साथ जा रहा है, तो ये वाला ब्लाउज बहुत ही अच्छा है, तो डेफिनेटली आप इसको स्टिच करा सकते हैं। सेकंड मैं आपको दिखाने वाली हूँ ये साड़ी, जो कि येलो कलर में है, काफी ज्यादा खूबसूरत है। फ्रेंड्स पूरी ही साड़ी पे आपको ये वर्क मिल रहा है। इस साड़ी का जो फैब्रिक है वो कॉटन है, जो कि काफी अच्छी क्वालिटी का है एंड आपको ये जो बॉर्डर में वर्क मिल रहा है ना, ऊपर नीचे पूरी साड़ी पे आपको ये काम मिल रहा है। एंड ये जो एम्ब्रॉयडरी है फ्रेंड्स, आप देख लो, ये प्रिंट नहीं है एंड काफी फाइन तरीके से किया हुआ है। पूरी साड़ी पे आपको इस तरह से फ्लावर मिल जाते हैं, कलर कॉम्बिनेशन आप देख लो कितना ज्यादा खूबसूरत है। एंड पूरी ही साड़ी पे आपको ये काम मिल रहा है, आप देख लो, मैं आपको पूरी साड़ी दिखा देती हूँ।
इसकी जो कॉटन है ना वो लाइक जो थोड़ी खड़ी खड़ी कॉटन होती है ना जो काफी अच्छी होती है, सॉफ्ट क्वालिटी की है, बट थोड़ा सा जो खड़ापन होता है ना वो चीज है इसमें। एंड इसका जो पल्लू है ना, पल्ला पल्लू आप जो भी बोलते हो, वो मुझे काफी ज्यादा खूबसूरत लगा। यहाँ पर आपको इस तरह से टेसल्स मिल जाते हैं। फ्रेंड एक चीज और मैं आपको बता दूं कि मेरी सब्सक्राइबर ने मुझे इन साड़ियों का रिव्यू करने के लिए बोला था। जब मैं ये कोड सर्च कर रही थी तो जब मुझे ये साड़ियां दिखी तो मुझे याद आया कि मेरी दी ने ये साड़ियां ऑलरेडी मंगा चुकी हैं, बट मैंने एक साड़ी मंगाई, जो फर्स्ट साड़ी थी ना मैंने वो साड़ी मंगाई है, बाकी की तीन साड़ियां मेरी दी की है। एंड फ्रेंड उन्होंने इन साड़ियों को वॉश भी कर लिया, बिकॉज उन्होंने साड़ी दीपावली पे एंड करवा चौथ पे मंगाई थी। एंड फ्रेंड आफ्टर वॉश भी इनका ना तो कलर निकला एंड ना ही इनकी जो एम्ब्रॉयडरी है उस पर कोई फर्क पड़ा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दोनों काम हो गए, आपने साड़ी भी देख ली एंड आपको आफ्टर वॉश इसका रिव्यू भी मिल गया। तो आफ्टर वॉश भी ये साड़ी बिल्कुल ऐसी ही है, मैं आपको दिखा दूँ, देखो साड़ी पे फॉल भी लगी हुई है। एंड फ्रेंड्स मैं इनका किसका ब्लाउज मेरे माइंड से स्लिप हो गए, ब्लाउज नहीं लिए बट साड़ी पिक कर ली मैंने, तो कभी कभी मैं ये वाली चीजें भी कर देती हूँ। बट इसका जो ब्लाउज है बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, ब्लाउज पे भी इसी तरह का आपको काम मिल जाता है। फ्रेंड नेक्स्ट मैं आपको दिखाने वाली हूँ ये रेड कलर की साड़ी, जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत है एंड ये साड़ी भी मेरी देखी है। फ्रेंड्स आई नो आप लोग मुझे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, जब मैं आपके कमेंट पढ़ती हूँ ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और आप लिखते हो ना दी आपने इसका रिव्यू कर दिया तो डेफिनेटली हम इसको ले सकते हैं। तो फ्रेंड आपका ये ट्रस्ट हमेशा बना रहेगा, आई प्रॉमिस यू, आप अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह से बनाए रखिए। एंड फ्रेंड अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं, अगर मुझे फॉलो करते हैं, तो आप जानते हैं कि जो चीज एक्चुअल में जैसी है मैं उसका वैसे ही रिव्यू देती हूँ। एंड ये साड़ी देखो मेरी नहीं है, मैंने आपको बता दी मेरी दीकी है, बिकॉज आपके साथ सब कुछ शेयर करना बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स ये वाली साड़ी भी इन्होंने वॉश के लिए, तीन साड़ी उनकी है, एक साड़ी मैंने मंगाई है, एंड ये तीनों ही साड़ी आफ्टर वॉश भी जैसी थी बिल्कुल वैसी ही है। ठीक है फ्रेंड्स ये रेड कलर की है एंड रेड एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज्यादा प्यारा है। पूरी ही साड़ी पे आपको इस तरह से ऊपर में प्लेन मिल जाता है, नीचे साड़ी में आपको ये यहाँ पर वर्क मिल रहा है, आप देख रहे हो, वर्क मीन ये जो काम किया हुआ है ना साड़ी में, ये आपको दिखा दूं इस तरह से आप देख रहे हो, तो ये तो वैसे भी कभी खराब नहीं होता, ऐसा ही रहता है। एंड पूरी ही साड़ी में आपको इस तरह से मिल रहा है। एंड साड़ी का जो पल्ला पल्लू जो भी आप बोलते हो, यहाँ पर आप देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये वर्क दे रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स तो काफी ज्यादा खूबसूरत है। एंड इसकी मैं फैब्रिक की बात करूं तो लाइक ये कुछ ना कॉटन एंड मिक्स जो होता है ना वो शाइनिंग सा, ये कुछ मिक्स कपड़ा है जो भी है बहुत अच्छा है। अच्छा फ्रेंड एक चीज मैं क्लियर कर दूं आपको कि इससे पहले मैंने एक साड़ी हॉल किया था, तो उसमें मैंने एक साड़ी का रिव्यू किया था, तो साड़ी जॉर्जेट की थी, बट वहां पर मेंशन किया हुआ था कि साड़ी का जो कपड़ा है वो कॉटन है। तो मेरे सब्सक्राइबर्स ने मुझे पूछा भी था, दी आपने जॉर्जेट बोला बट वहां पर तो कॉटन लिखा हुआ है, तो समटाइम वहां पर मिस प्रिंटिंग भी हो जाती है। ठीक है बाकी मुझे जो चीजें जैसी लगती है मैं आपको वैसे ही बताती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स नेक्स्ट साड़ी जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो भी कॉटन में है, सारी साड़ियां कॉटन में हो गई एंड इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। फ्रेंड्स ये साड़ी भी उन्होंने वॉश की हुई है, आप देख सकते हैं। तो ये जो साड़ी है ना फ्रेंड्स, ऐसी साड़ी मैंने एक और आपको दिखाई थी येलो कलर की अपने पुराने साड़ी हॉल में, तो काफी ज्यादा अच्छी है। फ्रेंड इसका कलर आप देख रहे हो कितना ज्यादा खूबसूरत है, पूरी साड़ी आपको ऐसी मिल जाती है, पूरी साड़ी पे आपको ये वर्क मिल जाता है। ऊपर ये साड़ी थोड़ी सी प्लेन है एंड साड़ी के हाफ पोर्शन में आपको ये एम्ब्रॉयडरी दे रहे हैं, पूरी ही साड़ी पे आपको ये एम्ब्रॉयडरी मिल रही है एंड इस तरह से ऊपर नीचे दोनों तरफ आपको ये रेड कलर के कपड़े से इस पे पाइपिंग मिल जाती है एंड पूरी साड़ी सेम है, इसमें कुछ भी अलग नहीं है। एंड इसकी मैं ब्लाउज की बात करूं तो इसका जो ब्लाउज है वो रेड कलर का कपड़ा है एंड रेड कलर पे इस तरह की एम्ब्रॉयडरी दी हुई है, ब्लाउज में लाना भूल गई सॉरी ओके। एंड फ्रेंड आप लोगों ने कुछ क्वेश्चन किए थे जिनका मैं रिप्लाई करना चाहूंगी, आपने पूछा थी इतने सारे कपड़ों का क्या करते हो, आपकी शॉप है क्या, तो फ्रेंड्स मेरी शॉप नहीं है। फ्रेंड आपके जितने भी क्वेश्चन है चाहे वो वीडियो से रिलेटेड हो या फिर आप मेरे बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं, तो इसके लिए हम बहुत जल्दी क्वेश्चन से वीडियो रखते हैं जिसमें मैं सारे ही क्वेश्चन की आपकी रिप्लाई करूंगी या फिर मैं लाइव आऊंगी, आप जैसे बोलोगे हम वैसे कर लेंगे। तो इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में, बी पॉजिटिव बी हैप्पी, टिल देन बाय बाय।